तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11.1, ठीक है, क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आज हम वो बनाने वाले हैं, ठीक है। थीके? तो चलते हैं वीडियो के आगे। सिंपली यहाँ पे इसको करने के लिए हम लोग को एक स्केल और एक प्रोटेक्टर, ठीक है, और एक कॉम्पस अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं, जब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 7.6, ठीक है, सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, थीके? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचेंगे। ठीक है, तो 7.6 हम लोग स्केल से नाप लेते हैं। ठीक है, ये यहां से और 5 और 1 6, ठीक है, 7.6, ये एक 7.6 हमारा रेखाखंड हो गया। ठीक है, मैं आप इस पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे बोला कि आप 5:8 में, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाना है, एक न्यूनकोण बना लेना है। ठीक है, एक्यूट एंगल हम लोग को एक कर लेना, ठीक है। आप इसको कितना भी लंबा रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पहले बना लिया एक्यूट एंगल। ठीक है, ठीक आपको वैसे ही इस साइड पे करना है। ठीक है, इस साइड पे आपको ठीक एक एक्यूट एंगल बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करना, लेना प्रकार, ठीक है, 5:8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसको इस साइड को जो इधर है, ठीक है, इसको हम लोग को 8 बार इससे कट करना है। ठीक है, आप इसका साइज कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, मीडियम रखो, रखिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 8 बार में काट लेता हूँ। ठीक है, 8, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 4 5, थोड़ा लाइन लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, पांच, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, 5 6 7 और 1 8, ठीक है, ये हम लोग पूरा 8 कर दिए। ठीक है, अब सेम इसी तरह करना, 5 इस साइड 5 लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस साइड 5 ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 इधर 5, लास्ट यहाँ तक 5 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे नाम लिख लेते हैं। ठीक है, थीके? ये हो जाएगा हमारा S1, S2, S3, S4 और S5, S6, S7 एंड S8। ठीक है, ठीक इस साइड भी कर लेते हैं, D1, D2, D3, D4 एंड लास्ट D5। ठीक है, अब हम लोग को स्केल की सहायता से इस वाले पॉइंट को, ठीक है, S8 और D5 को मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, ठीक है, मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा क्या वो मिल गया। ठीक है, तो ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।